डोली यहाँ पर क्या करेंगे? डोली तो क्या कर रही है? भिंडी बना रही हूँ। अच्छा भिंडी बना रही है। तो तुम्हें क्या लगा मैं क्या बना रही हूँ? अरे हमको लगा तो चिल्ला बना रही है। हमको लगा चिल्ला बना रही है, भिंडी बना रही है। बना दे नो यार, भिंडी की सब्जी बनानी चाहिए पहले, उसके बाद जाके बने के चिल्ले। पहले रोटी बाद में छोड़, नहीं कंचन ने तो शायद वही खाने ना चिल्ले। हाँ सॉरी चिल्ले ही खाने ना उसने। मेरा भी चिल्ले ही खाने का मन है, एक बीटरूट का। मेरा भी वैसे तो वही है, बट भिंडी तो बनानी है ना, सब्जी तो बनानी जरूरी है। ओके ओके टाटा। हाँ जी यार सिस्टर, देखो मैंने यहाँ पे बीटरूट का चिल्ला बना दिया। कैसे बनाए रेसिपी भी बता दो। रेसिपी बताओ? रेसिपी के लिए तो मुझे फिर कहना पड़ेगा, मैं तब बनाऊंगी, तब बताऊंगी। बताना रेसिपी। यहाँ पहले बीटरूट लो, एक बीटरूट ले लो, फिर उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लो। हाँ। उसको चॉपर में चॉप कर लो, प्याज भी डालो, हरी मिर्च भी डालो, अजवाइन, नमक, मिर्च, फिर उसको ऐसे चॉप करके थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर लो अच्छे से, ऐसे ऐसा तो बन जाएगा ना, इस तरह से कुछ बनेगा। फिर उसको ऐसे डाल दो, बहुत टेस्टी बनते हैं ये, और कंचन को इतने पसंद है ना ये, हमने बहुत खाए ये मुंबई में, और अभी भी फिलहाल हम खाते ही रहते हैं। आप तो अब मैं काफी टाइम बाद बना दी, देख बन रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा है ना, बट अभी टेस्ट करके देखना पड़ेगा कैसा है, नमक मिर्च वगैरह। बस तो मैंने सब सही मिलाया, ज्यादा तो नहीं होगा, कम हो सकता है क्योंकि मिर्चे कंचन ने खानी नहीं। हाँ, उसे लाइक खानी थी ना, इसलिए मैंने कम कम ही डाले मसाले। और वैसे भी मीठी होती है तो इसमें हरी मिर्च डालनी जरूरी होती है, बहुत ज्यादा। हाँ थोड़ी अच्छी हरी मिर्च डलती है, पर मैंने कम ही डाली है। ठीक है, रूड लगता है कि मतलब अच्छे से पकने में ना टाइम लगता है। और वैसे भी दीदी इतने दिन से अच्छे से खाना तो खा नहीं रही, मतलब खा रही है बट ये हेल्दी होते ना काफी, तो इसलिए वो अच्छे से खा लेगी। और गर्म भी होते हैं, बेसन मिलाया हुआ ना इसमें थोड़ा सा। हाँ। तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ताकि उसको गर्मी लगे, बीमार ना रहे, अच्छे भी लगते हैं खाने में, टेस्टी भी होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत देर लगती है भाई बनने में, मेरे को भी 5 मिनट हो गया अभी। जाओ उसको देखकर। थैंक्स। खाने? मैं और बना रही हूँ। एक बार मुझे ना तनु तुम्हें टेस्ट करके बताया नमक मिर्च वगैरह ओके है। हाँ होगा ओके। तो ये मैं लेके जा रही हूँ मेरी प्यारी बहना के लिए। हेलो कंचन, यस रेडी है, खाइए इसे आप अच्छे से और जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। ओके यहाँ पे रख दे को। साथ में दही तो नहीं चाहिए तुझे वैसे, है ना? नहीं ना, दही तो नहीं, अचार भी नहीं क्योंकि गला खराब है तेरा। अचार खाऊंगी फिर गला पकड़ लेगा। हाँ इसको रूखा खा ले। डोली ने ना नमक और मिर्च कम ही डाली है तेरे हिसाब से। हाँ? ठीक है, बाकी देख। नमक कम लग रहा था बुखार में है, बट अभी फीवर नहीं है मुझे गाइस। मैं थोड़ा सा मतलब मुझे आराम आ चुका है, बस वैसे थोड़ी बॉडी वीकनेस है और हाँ, वो थोड़ा सा अभी तो रहेगा, थोड़ा सब स्टीम से ही चला जाएगा। दवाई खा के ना पूरा के पूरा ना टेस्ट बदल गया ना, कि और पता ही है फीवर में कुछ खाने का मन नहीं करता जब बंदा बीमार होता है। तो ये डोली ने जो बनाए हैं बीटरूट के चिल्ले, ये खा के देखती हूँ कि खाया भी जाता है आज ये। नहीं खाया, बहुत टाइम बाद खा रही हूँ आज मैं ये वाले चिल्ले। हमने भी बहुत टाइम बाद बनाए हैं ये, तेरी वजह से बन जाते हैं अगर बनते हैं तो, वरना तो नहीं बनते। अच्छा नमक मेरा टेस्ट आना बंद हो रहा है अभी धीरे धीरे। वो तो यार फीवर है ना, और दवाइयाँ भी खाई है तो थोड़ा इसलिए भी टेस्ट आ रहा बस। बट अच्छे लग रहे हैं यार। अच्छा। मेरे को ये सीखने हैं। आते नहीं तुझे? मुझे नहीं आते, नहीं तो खुद ना बना ले। ओके अभी हमने रेसिपी दे दी है तो तू भी देख लियो वीडियो में तो सीख लियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मैंने को बोल दियो थैंक्स। यू वेलकम। चलो खा लो बाप। So guys, ये वाली स्टोल लेकर आए थे जीजू मेरे लिए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, जो बहुत ही सॉफ्ट सी है, पता चुभने वाली भी नहीं है, बहुत सुंदर लग रही है पता है ना। मम्मी को भी बहुत अच्छी लगी, तो मेरे बहनों को भी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच जीजू, इतनी अच्छी स्टोल के स्टोल कह रही स्टोल। क्या कह रहे हो, मम्मी बुलाया आपने मुझे? बुलाया क्या? अच्छी लग रही है और गर्म भी है, अभी मेरे काम भी आ रही है। तबियत खराब में पता नहीं था आते ही काम आ जाएगी। मुझे लगा अगले साल ही पहनूंगी, पर इसी साल ही काम आ गई मेरे। सही है तन्नू, डोली अंदर बंद होगी तन्नू। तंग कर रखा है इसने भी, मैंने कितनी बार कहा था ना क्या कर यार, मैं बोल दूं उसको उसने ऐसे खोल दे खुल जाते वो। सुन तो सही, मुझे लगा यार ये बंद ही रहेगी अब घंटा वॉशरूम के अंदर। इसको रखना भी चाहिए बंद घंटा, मुझे लगा बाहर से नहीं खुलता है यार डोली, मुझे लगा। अच्छा वापस अंदर कोई फंस गया तो उठा के ले आएगा, बट खुलता तो नहीं है अंदर से। खुलता है यार, मैंने खुद। तुम इसका लगवाते क्यों नहीं? टाइम नहीं लगता।
टाइम नहीं लगता उनको लगाने वालों को। अच्छा लगाने वालों को। सो गाइज़ आप लोगों के ना मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि मैं ना कोविड टेस्ट कर लूँ, तो मैं कोविड टेस्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे कोविड वगैरह नहीं है, जो नॉर्मल फीवर होता है वही फीवर हुआ है मुझे, और वो भी मुझे मेरा अभी फ़िलहाल ठीक हो चुका है फीवर वगैरह ना, मेरे जो फीवर के पास थोड़ी सी वीकनेस वगैरह होती है, लेग्स वगैरह में पेन होता है, बस नॉर्मली वही रह गया है और कुछ भी नहीं है मुझे, ना कोल्ड है ना कफ है, अगर आवाज़ थोड़ी सी बदली, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है मुझे, मुझे जस्ट नॉर्मल है, तो सिर्फ पेन है, और वो भी क्यों हुआ है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बीपी लो का प्रॉब्लम रहता ही रहता है, इस वजह से ना मेरी क्या कहते हैं लेग्स वगैरह में पेन है, और अदरवाइज़ मेरा फीवर वगैरह बिल्कुल ठीक हो चुका है 2 दिन के अंदर अंदर, और बाकी सब कुछ बढ़िया है, थैंक यू सो मच। बस अब जैसे ही मेरे मतलब फुल बॉडी पेन मेरा जब ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं चले जाऊँगी घर, और वैसे मैं अभी फ़िलहाल स्टीम वगैरह लेती रहती हूँ और खाना वगैरह प्रॉपर मेरा यहाँ पर चलता रहता है, बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। आज मैंने इतने टाइम के बाद अपने हेयर वॉश करे, क्योंकि बीमार हो गई थी, हेयर वॉश नहीं किया था, और ये सारे के सारे कर्ली हो गए हैं, क्योंकि नेचुरल हेयर जो है ना मेरे वो वैसे ही है, ये वेवी कर्ली अच्छे लग रहे हैं वैसे तो, लेकिन वॉश करने के बाद ऐसे हो ही जाते हैं। ये देखिए हमारे रोन को बहुत ही गहरी नींद में आराम से सो रहा है, रोनू रोनू ओह जैसे ही मैंने बोला कैसे एकदम से झटके से बहुत गहरी नींद में था, बहुत ज़्यादा गहरी, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा, गुड नाइट, सो जा, सो गया, कैसे एकदम से शॉक्ड हो गया था। टेंशन में तेरे नमकीन दलिया बना दो। बनाएगी? हाँ बना दूंगी, खाना है? खा लूंगी मैं नमकीन दलिया, बट आलू नहीं डालूंगी, ठीक है? पर मम्मी का भी कब से मन कर रहा है खाने का, मम्मी का नहीं, नमकीन तो तेरा मन कर रहा है, मम्मी भी तो बोल रही थी मम्मी भी खाना है। हाँ मम्मी भी, बट आलू मम्मी मना कर रही थी मेरी बात, आलू नहीं डाल रही है, मटर मुटर भी नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, वेजेस नहीं है कोई सी भी, नहीं कुछ भी नहीं है। बात बता तुम्हारे पास कौन से वाला दलिया है, मोटे वाला बारीक वाला? दोनों टाइप के मिल जाएंगे। मोटे वाला नहीं बनाना, मोटा तो बहुत गंदा बनता है, बहुत ज्यादा है, एक बार तो कर दी, हाँ एक बार ही ना कर लिया था, हाँ सेम पड़ा है, ऐसे ही पड़ा हुआ, मैंने भी ना एक बार ले लिया, और वो इतना गंदा बना ना मुझसे, मैं तेरे को क्या बताऊँ, इतना मोटा अजीब सा लगता है ना, वो बारीक वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ना ही घर में आलू है, ओह सॉरी आलू तो है बट आलू तुझे नहीं खाने हैं, आलू तो नहीं खाने, तो क्या कहते हैं हम वो वाला ही बनाओगे, प्याज टमाटर का नमकीन बना दो, बस मटर भी नहीं है यार, बीन्स भी नहीं, गाजर है ना, बीन्स है, अब एक आलू डाल दे टेस्ट के लिए, छोटे छोटे बस, ओनली वन छोटा सा, छोटा सा बना दो, क्योंकि हाँ भून के बनाऊंगी यार, अच्छा तभी बनेगा, नहीं तो कच्चा लगता है ऐसे तो। ओके ओके ठीक है। और सुनना वो क्या हल्दी डालते हैं? हल्दी डाल लियो थोड़ी सी, थोड़ी सी तेरी तो फेवरेट है हल्दी, हल्दी के बिना तो तू रहती नहीं ना, हल्दी तो तू चौक चौक के खाने में डालती है, तुम्हें दलिया बनाएगी। और सुन मेरे को थोड़ी सी कॉफी जो है, कॉफी मुझे अभी मैं पीऊँ या दली के बाद पीऊँ? थोड़ा सा तो हो रहा है फिर, वैसे तो मैं बढ़िया हूँ, फिर तो नींद उड़ जाएगी रात को, तो पहना अभी कॉफी, दूध वाली पानी वाली, पानी वाली चल देखती हूँ मैं, रुक जाओ तू बना ले दलिया बना ले इतने। यहाँ पे अभी लेट नाइट पी जा रही है कॉफी, बिकॉज बीपी जो है थोड़ा सही रहता है कॉफी पीने से, और मैंने सुबह से भी नहीं पी थी कॉफी, चाय ही पी थी एक ही बारी, अभी मेरा मन भी कर रहा तो कॉफी पीने का, और अभी भी सही हो जाएगा, पीते हैं अभी कॉफी, देन आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक।